अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तो मैं हूँ आपका दोस्त हमाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का कॉन्सेप्ट आपने देख लिया है, चलते हैं अपने बैकग्राउंड इरेज़र ऐप के अंदर। अगर ये बैकग्राउंड इरेज़र आपके पास नहीं है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी फ़ोटो को ऐड करें जितना आपको चाहिए वो, बाकी आप ट्रिम भी कर सकते हो इसे, ठीक है, क्रॉप कर लें इसे। क्रॉप करने के बाद ये ऑटो टूल है, ऑटो टूल को यूज़ करें। अगर इसकी वीडियो आपने पूरी मुकम्मल देखनी है तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से आप इरेज़ कर लीजिएगा। मैंने वीडियो को फास्ट किया, मुझे काफ़ी टाइम लगा था। कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे इसमें रिपेयर वाला ऑप्शन भी होता है, जहाँ से आप ख़राब हो जाए वो रिपेयर भी आप कर सकते हो, देख सकते हो आप। बहुत इजी स्टेप है, ठीक है। उसके बाद ऊपर से सेव टू डिवाइस कर लें, ठीक है। सेव का ऑप्शन होगा उधर। सेव करने के बाद फिनिश करें इसे, ठीक है दोस्तों। बैक आ जाएं, अब आएं अपने पिक्सार्ट ऐप के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आप जाएं ऑल फोटो में, ठीक है। ऑल फोटो में जाने के बाद जौन सा बैकग्राउंड में आपको ये वाला दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको ये वाला ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड करने के बाद ये टूल वाला ऑप्शन होगा, इसमें जाके क्रॉप को सिलेक्ट करना है अपने, ठीक है। इसे आपको कर लेना ये वाला, ठीक है। इसे करें ये सेकेंड वाला जौन सा, डन कर दें। उसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो के अंदर। ऐड फोटो में जाने के बाद ये येलो वाला फ्रेम ऐड करना है आपने, इसका भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ऐसे जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ ऐसे ध्यान से ऐड कर लिएगा, इसे डन नहीं करना, आपको इसे छोड़ के स्क्रीन पे टच करना है एक बार। ये देखो इधर से ऐड फोटो में जाके अभी आपको अपने मॉडल को ऐड करना है, ठीक है। इधर मॉडल को अच्छे से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को हम करेंगे माइनस में कि हमें फ्रेम नज़र आ जाए। अब हम जाएंगे ऊपर इरेज़ वाले आइकन पे, इरेज़ वाले आइकन पे जाके हम इरेज़ कर देंगे, ठीक है। मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ, ये थोड़ा टाइम लगेगा, आप अच्छे से इरेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी टाइम लगे लेकिन इरेज़ अच्छे से कर लीजिएगा, अगर आप कहीं से मिसिंग करोगे तो वो बुरा लगेगा। देखो अब जहाँ से वाइट वाइट है वो आप इरेज़ कर लेगा, ठीक है। मेरे हेयर मैंने नहीं किए थे, वो मैंने इधर कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। ओपेसिटी कम माइनस प्लस करके आप कर सकते हो अच्छे से एडजस्ट। तो सो अभी ओपेसिटी को हम कर देंगे फुल, उसके बाद हम करते हैं डन। और हाँ, जब आपने बालों के इरेज़ करना है तब ओपेसिटी को आप इरेज़ की ओपेसिटी को और हार्डनेस को माइनस रखिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं डन। तो दोस्तों फिर से हम जाएंगे ऐड फोटो के अंदर। अभी ये वाली आपको पीएनजी लेनी है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों मैं आप सोच रहे हो कि बार बार बता रहा है, लेकिन कई दोस्त मुझे बार बार फिर मैसेज करते हैं, यार मत किया करो, देख लिया करो, दोबारा सुन लिया करो। अब जिस डिस्क्रिप्शन कैसे निकलती है, नीचे एक डॉट सा बनाओगे, उसे दबाओगे तो सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हो तो उसमें लिखा होगा शो मोर, ये आप देख लिया करो। अभी इसे ऐसे लगा देंगे जैसे मैंने ऐड किया, ठीक है। रोटेट करना हो तो रोटेट कर लीजिएगा, आपकी जो फ़ोटो के हिसाब से होगा। अभी आप अपना नेम ऐड कर सकते हो, ऐड टेक्स्ट में जाके कोई भी नेम। अभी मैंने सिर्फ नेम आपको सिर्फ बताया कि आप नेम ऐड कर सकते हो। इसका कलर चाहिए तो आपको जाएं कलर में, ये कलर का ऑप्शन साथ बनाओगे फॉन्ट के साथ। इस पर टैप करें, ये देखो ये साथ इंजेक्शन टाइप बना होगा, तो इंजेक्शन को जिस जगह पे लेके जाएंगे वो वाला कलर आपके नेम में आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका नाम हो वो आप ऐसे लगा सकते हो साथ। दोस्तों अब हम जाएंगे ड्रॉ वाले टूल के अंदर।
इधर हम जाएंगे थ्री डॉट पे और सेव टू डिवाइस कर लेंगे। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।